इस तरह से मुंह में घुल जाने वाली बेसन की स्वादिष्ट बर्फी खानी है तो इस वीडियो को तो जरूर देखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए बेसन की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। मेजरमेंट के लिए कोई भी एक कटोरी या कोई भी बर्तन ले लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 4 कटोरी बेसन। मैंने एक छोटी सी कटोरी लिया है और उसी कटोरी से कढ़ाई में डाल रही हूँ 4 कटोरी बेसन। एकदम सही माप के साथ बर्फी बनाएंगे। 2 चम्मच डालेंगे इसमें बारीक पिसा हुआ सूजी और बेसन को लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे इस तरह से भूनना शुरू करेंगे। कोई घी नहीं डालना है इसमें इस वक्त। बेसन को भूनते समय गैस के फ्लेम पर लो मीडियम पर ही रखना पड़ेगा और इस तरह से धीरे धीरे चला के बेसन को भून लेंगे। बेसन को लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। इस समय गैस के फ्लेम का ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादातर लो फ्लेम पर ही इसको भूनेंगे। बीच बीच में मीडियम कर देंगे लेकिन फिर से दोबारा इसको लो कर देंगे। 5 से 7 मिनट हुआ है और बेसन में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बेसन का रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। 7 से 8 मिनट हो गया है बेसन को भूनते हुए। इससे ज़्यादा अब बेसन को नहीं भूनना है। सेम कटोरी से डालेंगे 1 कटोरी भर के घी। मैंने इस बर्फी को बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया है और बेसन में घी को अच्छे से इस तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स, लो फ्लेम पर ही इसको धीरे धीरे पेशेंस के साथ भूनना पड़ेगा। बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है इसको भूनते समय, नहीं तो आपका बर्फी या तो जल जाएगा नहीं तो खराब हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और जो भी फ्रेंड्स मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट करें। बेसन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है और ये देखिए इसमें जो मैंने घी डाला था वो धीरे धीरे रिलीज होने लगा है। इस समय यदि आपको लगता है कि बेसन ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच घी अभी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाला है और बेसन को इस तरह से धीरे धीरे लो फ्लेम पर चलाना फिर से शुरू करेंगे। लो फ्लेम पर भूनते हुए धीरे धीरे बेसन को 10 मिनट हो गया है और ये देखिए घी अच्छे से इसका रिलीज हो गया है। बेसन भूनने के बाद इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स, चाहे आप लड्डू बना रहे हैं चाहे बर्फी बना रहे हैं, यदि आप बेसन का सामग्री डाल करके ये सब लड्डू बर्फी बना रहे हैं तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जल्दीबाजी वाला काम नहीं है। इसको धीरे धीरे ही लो फ्लेम पर भूनेंगे तभी इसका अच्छा फ्लेवर आ पाएगा और आपका बेसन का लड्डू या बेसन का बर्फी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बेसन अच्छी तरह से भून गया है और ये देखिए बेसन में अच्छा सा फ्लेवर भी आ गया है। जब भी आप बेसन को भूनेंगे आपको पता चलेगा इसमें खुशबू कितनी अच्छी आती है। ये देखिए बेसन भून के तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और बेसन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, थोड़ा सा ही ठंडा करना है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी सेम कटोरी से भर के शक्कर। मैंने शक्कर को पाउडर बना लिया था। शक्कर को डालने के बाद बेसन में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा मिक्स जमाने के लिए अब तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसको जमा लेते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रे लिया है, एक एक ट्रे है। इस ट्रे को मैंने घी से ग्रीस कर दिया था और सारा मिक्स इसी में डाल देंगे। डाल करके इसको चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे। अभी भी मिक्स जो है थोड़ा सा गर्म है तो इसको हम हाथ से नहीं करने पा रहे हैं, तो एक कटोरी की हेल्प से इस तरह से इसको दबा दबा करके सेट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स को मैंने इसमें सेट कर दिया है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पर बादाम का कतरन लिया है, थोड़ा सा इसको बारीक काट करके इसमें डाल दिया है और 1-2 पिस्ता को मैंने बारीक काट करके इसमें डाल दिया है। इसको भी कटोरी से इस तरह से दबा देंगे और ये लीजिए मिक्स अच्छे से सेट हो गया है। इसको इस तरह से टेप कर देंगे
और आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा के बाद मैंने देखा है इसको बर्फी अच्छे से सेट हो गया है। एक चाकू लेंगे और चाकू के पहले पीछे हिस्से से इसको इस तरह से कट मार देंगे। आपको जो भी शेप देना है दे दीजिए, मैंने यहाँ पर इसको चौकोन शेप दिया है। बादाम का कतरन से थोड़ा सा काटने में इसको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बादाम का कतरन मैंने लंबा लंबा रखा है तो ये चाकू में बार बार फंस जा रहा है इस तरह से। ये लीजिए, इसको भी मैंने स्क्वायर शेप दे करके बर्फी को कट कर दिया है। अब इसको निकाल करके देखते हैं। चक्कू को चारों तरफ से इस तरह से घुमा देंगे ताकि जो बर्फी सेट हुई है वो आराम से छोड़ देगी। ये देखिए इस तरह से, इसको मैंने चक्कू के पिछले हिस्से से काट तो दिया था पर ये निकल नहीं रहा है, अभी भी ये ठीक से कटा नहीं है। तो चक्कू के सामने वाले हिस्से से इसको इस तरह से अच्छे से कट मारेंगे। ये देखिए इस तरह से दोबारा इसको अच्छे से कट मार दिया है मैंने, क्योंकि बर्फी बढ़िया से जम गई है। और एक निकाल करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया पीस निकला है इसका। इसी तरह से दो तीन पीस मैं और निकालती हूँ, ये देखिए बिल्कुल आराम से निकल जा रहा है, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये बेसन की बर्फी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और एक बार इस रेसिपी को बनाना तो बनता ही है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बर्फी बन करके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।